नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं अजमेर के पुष्कर से, जहां सीएम राजे का अजमेर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम राजे ने आज पुष्कर विधानसभा के लोगों से मुलाकात की और विभिन्न समाज के लोगों के साथ संवाद किया। वहीं सीएम 11 चरणों के विभिन्न जाति के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। भाजपा के वोट बैंक रावत समाज ने लोकसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व मांगा है और वैश्य समाज ने ग्राम पंचायतों में से दुकानों को कमर्शियल किए जाने और जीएसटी में राहत देने की मांग की है। वहीं ब्यावर को जिला बनाने और ब्राह्मण समाज ने पुष्कर में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने की मांग और वैष्णव समाज ने धर्मशाला के ऊपर 11,000 केवी की लाइन हटाने की मांग की है। पाली के सोजत सिटी में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जहां पर सुकड़ी नदी के पास जीप और ट्रॉले में टक्कर हो गई, जिससे भयानक हादसा हुआ। सभी मृतक आईओसी के संविदा कर्मी हैं। बताया जा रहा है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने से यह हादसा हुआ। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। हनुमानगढ़ के नोहर में पीएचईडी मंत्री सुरेंद्र गोयल पहुंचे। उन्होंने यहां पर नगरपालिका टाउन हॉल में अपनी योजना के घर घर पेयजल कनेक्शन योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और समीक्षा की। वहीं मंत्री गोयल ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों शिकायतों का तय सीमा में निराकरण किया जाएगा। भीलवाड़ा के मांडवगढ़ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान परनामी ने कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भीलवाड़ा के मांडवगढ़ में उपचुनाव को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों बूथ विस्तारों को 5 मंडलों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्हें 21 किलो की माला पहनाकर और गदा देकर अभिनंदन किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में उपचुनाव की पूर्व तैयारियों को लेकर मांडवगढ़ आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को बिजौलिया प्रधान नीता विजयवर्गीय ने ज्ञापन देकर कॉलेज खुलवाने की मांग की। वहीं युवा नेता संजय धाकर के नेतृत्व में परनामी को 21 किलो का फूलों का हार पहनाकर पीतल की गदा भेंट की गई। इस दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीकर के श्री माधोपुर की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच मोती सिंह का पंचायती राज विभाग द्वारा निलंबित किए जाने के 7 दिन बाद भी उप सरपंच को सरपंच पद चार्ज नहीं दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने समता ग्रामीण विकास समिति के शिवपाल बलौदा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्यवाहक बीडीईओ व विधायक झाबर सिंह खर्रा पर मिलीभगत का आरोप लगाया कि विधायक का सरपंच चहेता होने के कारण उप सरपंच को सरपंच पद का चार्ज नहीं दिया जा रहा। इस प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी व विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। अलवर के भिवाड़ी के पूर्वाग थाना क्षेत्र स्थित खानपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक पक्ष की तरफ से लाठी डंडे और पत्थर बरसाए गए। खूनी संघर्ष में एक महिला एक बच्चे सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। 3 युवकों की गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने अलवर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पक्ष का घर मुख्य रास्ते के पास है, जो कि तेज आवाज में संगीत बजाकर रास्ते से आने जाने वाली महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा करते हैं, जिसको लेकर सभी को आपत्ति थी। सवाईमाधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के भारजा नदी और देवरी गांव में 2 समाजों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें से एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 युवकों के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीणों की समझाइश पर मामला शांत भी हो गया था, लेकिन फिर उसी बात को लेकर भारजा नदी के लोगों ने देवरी गांव के एक परिवार पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे कि देवरी गांव के गुर्जर समाज के तकरीबन 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के रायला में शरद पूर्णिमा पर 400 लीटर दूध की खीर बनाकर 1200 बालिकाओं को खिलाई गई। इस अवसर पर आनंद आश्रम में स्कूलों की 1200 बालिकाओं को खीर पूड़ी का भोजन करवाया गया। इस मौके पर बनेड़ा कई जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संस्थाएं सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। बाड़मेर के पचपदरा में भगवती आश्रम पचपदरा में सैकड़ों भक्तों ने शरद पूर्णिमा पर खीर की प्रसादी ग्रहण की। यह भगवती आश्रम में दमा विश्वास के मरीजों को एक खीर दवा के रूप में निःशुल्क दी गई। यहां पर लगातार 30 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद के आमेट में भगवान जयसिंह श्याम मंदिर परिसर में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। मंदिर परिसर में रात्रि 12 बजे पूर्णिमा के धवल चांदनी में महाआरती कर 551 किलो खीर का भोग लगाया गया। इससे पूर्व भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्वर्णकार समाज के आराध्य देव महाराजा अजमीर का की जयंती धूमधाम से मनाई गई।
गणेश मंदिर से हैकड़ों महिला व पुरुष काजी बाजी के साथ नाचते गाते हुए मुख्य मार्गों से निकलते हुए देवनारायण मंदिर पहुंचे, जहां पर महाराजा अजमेर की दीप प्रज्वलन कर सामूहिक आरती उतारी गई। इसके बाद समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने महाराजा अजमेर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर प्रतिभाओं को सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वर्णकार समाज के आराध्य देव श्री अजमेर जी महाराज की जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला गया। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष बंशीलाल राईवाल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया और अजमेर जी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बंशीलाल राईवाल, विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रकाश सोनी, पार्षद शांतिलाल लाडना, गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, स्वर्णकार समाज के ब्लॉक अध्यक्ष भगवती लाल सोनी उपस्थित थे। चारों की चित्रवाना क्षेत्र के जम्बेश्वर मंदिर चिमड़ावास में शरद पूर्णिमा की रात्रि को कीर्त महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी किरणों से में अमृत बरसाता है। भीलवाड़ा के आसंद के बरसनी में शरद पूर्णिमा मेले पर भक्ति का सैलाब उमड़ा। यहां चार भुजनाथ के मेले में ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई और सैकड़ों दर्शनार्थियों ने इसका जमकर आनंद उठाया। यहां चार भुजनाथ मंदिर पर भगवान को खीर का भोग लगाया गया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में शरद पूर्णिमा के मौके पर 2501 दीपकों से चंबल घाट जगमगा उठा। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से स्वच्छता, स्वदेशी एवं पर्यावरण हितैषी तरीके से त्यौहार मनाने से चंबल घाट जगमगा उठा। चंबल नदी की आरती की गई। राणा प्रताप सागर बांध के इस किनारे पर पूर्ण चंद्रमा निकल गया। दीपोत्सव के इस आयोजन के बीच में मून मेडिटेशन जब हुआ तो पूरा चंबल घाट मौन हो गया। कार्यक्रम में पालिका ईओ, पालिका अध्यक्ष, भाजपा नगर अध्यक्ष सहित कई संगठनों के लोगों ने भाग लिया। उदयपुर के वल्लभ नगर में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर क्षेत्र के प्रमुख धर्म स्थल शनिदेव मंदिर देवली में आराध्य भगवान शनिदेव के मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान शनिदेव को रात 12:15 दूध की खीर के प्रसाद का भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। भरतपुर के वैर में महर्षि वाल्मीकि के अवसर दिवस पर वाल्मीकि समाज की ओर से वैर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाल्मीकि समाज की अनेक संस्थाओं द्वारा महर्षि वाल्मीकि का पूजन कर युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने की सीख दी गई। भरतपुर की डीग हरिजन बस्ती में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वेंद्र सिंह, विधायक डीग कुम्हेर ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर माल्यार्पण किया। समाज के लोगों द्वारा विधायक विश्वेंद्र सिंह का साफा बांधकर चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ गांव में बच्चों के लिए मौत का खेल बना ब्लू व्हेल अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों में भी अपने शिकार बना रहा है। गांव के राजकीय जटिया स्कूल के चार बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इनमें 9वीं के छात्र आशीष की पहचान हुई, जिसकी शिक्षा अधिकारी ने काउंसलिंग भी की। आशीष ने बताया कि वो सुबह 4 बजे छत पर जाकर गेम खेलता था और उसके मित्र ये गेम शाम को मिलकर खेलते थे। आशीष ने जब अपने सहपाठी को इस बारे में बताया तो मामले का खुलासा हो गया। चलिए खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर बाड़मेर के बाखासर से जहां थाने में दर्ज मामले में मृतक विरमाराम के हमलावरों को गिरफ्तार करने और हत्या की धारा जोड़ने की मांग को लेकर जाट समाज ने महारैली निकाली और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए विवादित बयान भी दिया। बाड़मेर में सोनाराम ने कहा कि विरमाराम के परिवार को किसी ने हाथ भी लगाया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। जयपुर के कानोता इलाके में विद्युत विजिलेंस टीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। पीड़ित टीम सदस्यों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। ऐसे में इंजीनियर्स एसोसिएशन अध्यक्ष विमल माचीवाल ने चेतावनी दी है कि आज शाम तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। सहायक विद्युत विजिलेंस रविंद्र चौधरी ने बताया कि टीम ने उदयपुर ग्वालियर सीडलिंग कॉलेज के पास एक घर में वीसीआर भरने गए थे। ग्रामीणों ने वीसीआर फाड़ दी और महिला जेईएन समेत 3 सदस्यों से मारपीट और बदसलूकी की।
दौसा के भांडारेज में राजस्थान ईट भट्टा मजदूर यूनियन के प्रयासों से जोर जबरदस्ती से काम में लिए जा रहे 50 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया, जिनमें से 44 मजदूर सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर केसी वर्मा ने मुक्त कराए गए मजदूरों को मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन्हें तत्काल सहायता के रूप में 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे और सरकार द्वारा निर्धारित पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा। उदयपुर के कोटड़ा के नयावास पंचायत में मुखबिर की सूचना पर ग्रामीणों ने राशन के गेहूं से भरा एक ट्रक पकड़ लिया। दरअसल ये गेहूं कोटड़ा से गुजरात ले जाया जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने इस राशन से भरे ट्रक को रोका, पुलिस को सूचना देकर जब्त करवाया। अब पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश में जुट गई है। प्रतापगढ़ के दरियावद में उपखंड अधिकारी वर सिंह गरासिया ने आगामी पर्व दीपावली को लेकर नगर के लाइसेंसधारी पटाखा व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने समस्त व्यापारियों को नियमानुसार पटाखा विक्रय के लिए पाबंद किया, साथ ही पटाखा दुकानों पर अग्निशामक यंत्र, रेत एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यापारियों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दुकान नहीं लगाने और बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। चित्तौड़गढ़ के करासनी कस्बे में रोशनेश्वर महादेव प्रांगण में 2 दिवसीय मेला विधायक अर्जुनलाल जिनगर, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला देवी जिनगर, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा व्यास की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं मेलार्थियों ने डॉलर चक्री आदि पर झूलने का लुत्फ उठाया। मनिहारी व मिठाइयों की मेले में भरपूर खरीदारी हुई। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के राणा जी का गुड़ा ग्राम स्थित राजकीय विद्यालय में आए दिन शिक्षकों के गायब रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही उनके भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे सरपंच गोपाल बैरागी को 11 शिक्षकों में से प्रधानाचार्य समेत 7 शिक्षक अनुपस्थित मिले। ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादातर शिक्षक गोता अवकाश पर ही रहते हैं और बाद में जब भी स्कूल आते हैं उपस्थिति रजिस्टर में एक साथ दस्तखत कर लेते हैं। भीलवाड़ा के आसंद उपखंड क्षेत्र के बेरन ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में 62वीं ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा खेलकूद साहित्य एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समारोह में स्थानीय विधायक रामलाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। गुर्जर ने कहा कि खेल को खेल की भावनाओं से ही खेलना चाहिए, खेलों से आपस में मेलजोल बढ़ता है, इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में वार्ड 12 और 15 के मध्य जर्जर एवं नीची सड़क को ऊंचा उठाकर सीसी रोड बनाने का काम आज शुरू हो गया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई और फिर निर्माण सामग्री डालकर रोड का निर्माण शुरू करवाया गया। ईओ सोहनलाल नायक ने बताया कि 6 मीटर चौड़ाई और 530 मीटर लंबी रोड को 2 हिस्सों में 50 लाख रुपए की लागत से बनवाया जाएगा। इस सड़क को बनने की मांग पिछले कई समय से की जा रही थी और बारिश के समय यहां पर काफी पानी भर जाता है, समस्या से अब लोगों को निजात मिल पाएगी। बाड़मेर के कल्याणपुर में अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुलदेवी और जन जन के आराध्य नागणेची माता मंदिर नागाणा धाम में शरद पूर्णिमा को मेला भरा। इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। अलसवेरे से ही मंदिर प्रांगण में माता की पूजा और दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गई। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के सिद्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर भोम भाकर के महंत श्री पूरण भारती के देवलोक गमन के बाद तीसरे दिन शंभू रोड का आयोजन किया गया। संत की समाधि पर साधु संतों ने संत परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर विधि की। इस अवसर पर मठाधीश ओंकार भारती और नागणेचिया माता ट्रस्ट अध्यक्ष उमेश सिंह अराबा ने संबोधित किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सरपंच आशा सैनी और उप सरपंच असलम खान मेव के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस थाने में दोनों ही पक्षों ने परस्पर मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की। वही कार्रवाई की मांग को लेकर सरपंच के समर्थकों ने पुलिस थाने में नारेबाजी भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता तैनात किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सिरियारी गांव में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन संत सोनू महाराज के सानिध्य में हुआ। भक्ति संध्या में दुर्गेश मारवाड़ी ज्योति शर्मा ने भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ के अरनोद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उपखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने क्षेत्र के कनाड़ व साकतली ग्राम पंचायत में मॉर्निंग फॉलोअप किया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा, बीडीओ फिरोज खान ने लोगों को समझाइश कर खुले में शौच से मना किया, साथ ही शौचालय का उपयोग करने की भी बात कही। चित्तौड़गढ़ के रावतपेटा में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सतीश कुमार ने आरएपीपी का इकाइयों का अवलोकन किया। इस दौरान निर्माणाधीन इकाई में कार्य कर रही निजी कंपनियों और अन्य पैकेज द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में लॉयंस क्लब की ओर से आयोजित चिकित्सा शिविर में 57 मरीजों को परामर्श एवं दवाई वितरित की गई।
भरतपुर के वैर में कुम्हेर गेट पर एक टवेरा गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार घायल हो गया। घायल को वैर सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। वहीं टवेरा गाड़ी पर क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया। भरतपुर के नदबई कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में चल रही जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूनम चतुर्वेदी कवयित्री द्वारा भगवान गणपति की वंदना से कार्यक्रम का आगाज किया गया। भरतपुर के डी ग्राम पंचायत एकलेरा में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण प्रधानाचार्य के नेतृत्व में किया गया। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में 23 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल वितरण के दौरान छात्राओं की खुशी देखते ही बन रही थी। पाली के देसुरी में प्रधान भैराराम मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। एसडीएम राजेश मेवाड़ा, बीडीओ विक्रम सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार प्रवीण रतन की मौजूदगी में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा हुई और उन्हें सुधारने की मांग की गई। इस दौरान सभा भवन के आधुनिकीकरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सरपंच विक्रम सिंह इन्ना ने बीडीओ व प्रधान का साफा पहनाकर स्वागत किया। वही बीडीओ विक्रम सिंह राजपुरोहित को जन्मदिन पर भी प्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं दी। पाली के देसुरी वन विभाग की देसुरी रेंज ने वन्य जीव सप्ताह के पांचवें दिन स्कूली छात्र छात्राओं को जोबा वन खंड में वनस्पति एवं जैव विविधता से अवगत कराया। रेंजर महेंद्र सिंह छाला ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोबा के छात्र छात्राओं को वन भ्रमण के दौरान पेड़ पौधों, वन्य जीवों, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के विषय में जानकारी दी। भीलवाड़ा के बरेड़ा थाना पुलिस ने कबूतरों का शिकार करने के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार किया। थाना सर्किल के महुआ खुर्द ग्राम के पास से गांव के रहने वाले शंकर व बालू को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक के कट्टे में रखे 62 मृत कबूतर बरामद किए गए। भीलवाड़ा के गुलापुरा के राजकीय विद्यालय में आयोजित 62वीं जिला स्तरीय एथलेटिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। वही समापन लीला दशोरा हिंदुस्तान जिंक के मुख्य आतिथ्य व हेमलता मीणा की अध्यक्षता में हुआ। उक्त आयोजन में ओम प्रकाश चौधरी, राजेंद्र शर्मा, सुनील लड्डा, रेखा यादव निर्णायक रहे। चलिए खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।